हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजीज क्विक किचन। आज हम बनाना सीखेंगे मार्केट स्टाइल ब्रेड पकोड़ा। ये बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छा इंडियन स्नैक्स है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बॉइल्ड आलू को छील लेंगे। हमें सब आलू को अच्छे से बॉईल कर लेना है, जैसे हम नॉर्मली बॉईल करते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारे बॉईल्ड आलू तैयार हैं। अब हम इनमें कुछ मसाले डालेंगे स्टफिंग के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, साथ ही डालेंगे लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, फिर इसमें ऐड कर देंगे जीरा पाउडर एक चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, साथ ही इसमें डालेंगे अमचूर या चाट मसाला पाउडर एक चम्मच के करीब। अब इन आलू को अच्छे से मैश कर लेना है और मिक्स कर लेना है। ध्यान रहे आलू अच्छे से मिल जाए, ताकि पूरे आलू में मसाले बराबर तरीके से मिक्स हो। इन सबको हम अच्छे से मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम इसका बैटर तैयार करेंगे। बैटर तैयार करने के लिए एक बड़े से बाउल में हमें 3 से 4 चम्मच बेसन ले लेना है। अब हम बेसन में ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। ध्यान रहे स्टफिंग में भी नमक हमने डाल रखा है, उसी हिसाब से हम इसमें नमक डालेंगे। साथ ही हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा। इससे ब्रेड पकोड़े में क्रिस्पीनेस आएगी। साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच और आधे चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। अब हम इसमें पानी डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि हमें बेसन को अच्छे से विस्क करना है। एक साथ पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें, ताकि बेसन में कोई भी लम्स ना रहे। इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फेंट लेंगे, विस्क कर लेंगे, ताकि ब्रेड पकोड़े क्रिस्पी बने और फूले हुए बने। ये एक स्नैक है जो बच्चे हो या बड़े सभी को पसंद आते हैं, और इसको आप घर पे भी बहुत आसान तरीके से रेसिपी को फॉलो करके बना सकते हैं। अब हमें ब्रेड स्लाइसेस लेना है और आलू की स्टफिंग जो हमने तैयार की थी उस पर इस तरह से चम्मच की सहायता से पूरा अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। आलू भरने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, बहुत अच्छे से उसमें आलू लगाएं और दोनों स्लाइसेस को आपस में बंद कर दें। इसको हाथों से हल्के से प्रेस करना है, ताकि फ्राइंग के टाइम ये अलग ना हो। अब हम इसको चाकू की मदद से हाफ काट लेंगे। आप चाहे तो रेक्टेंगल शेप में या ट्रायंगल शेप में भी काट सकते हैं। हम यहाँ ट्रायंगल शेप में काट रहे हैं, जैसे कि हमें आप मार्केट में मिलता है। सभी ब्रेड स्लाइसेस को इसी तरह से पहले से तैयार करके रख ले, ताकि आपको फ्राइंग के टाइम बहुत आसानी हो। हम इसको सरसों के तेल या रिफाइंड ऑयल में, जिस चाहे ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। ब्रेड को इस तरह से डिप करें, बेसन में अच्छे से चारों तरफ से डिप करें, एक्सेस बेसन को हटा दें और फिर गरम तेल में इसको फ्राई करें। 2 से 3 मिनट तक हमें हॉट ऑयल में फ्राई करना है। ध्यान रहे तेल ठंडा ना हो। अच्छे से गरम तेल में इसको फ्राई करना है, और जब एक तरफ से फ्राई हो जाए तो इसको हम दूसरी तरफ पलट लेंगे।
अब ये एक तरफ से रेडी हो चुका है, हम इसको पलट लेते हैं और दूसरी तरफ भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब दोनों तरफ से हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो हमारे ब्रेड पकौड़ा तैयार है। इसको अच्छे से हम छान लेते हैं, एक्सेस ऑयल को निकाल लेते हैं। उसके लिए हम इसको छान लेंगे किसी टिश्यू पेपर पे या नैपकिन पे। सो फ्रेंड्स, हमारे ब्रेड पकौड़े तैयार हैं। इसको गरम गरम सर्व करते हैं मिंट चटनी या सॉस के साथ। तो इसको एंजॉय करें, आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें, फैमिली और फ्रेंड्स को खिलाएं और कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताएं।